40 दिन बाद वो काली रात शुरू हुई जिसके साये में वो 8 साल तक जीते रहे। इतना भयंकर लेपट था कि उसका खौफ इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। और जो लोकल विलेजेस बोलते हैं कि ये कम से कम 1000 से 1200 लोग मारे थे। 11.5-12 फीट लंबा टाइगर गलती से मर गया था किसी और। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी आपके चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ सफारी एक्सप्लोरर में। तो दोस्तों अब इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रामनगर। रामनगर पे हमारी जिप्सी आ जाएगी जिसको हम सफारी के लिए बुक किए हैं। फिर उस जिप्सी से हम चलेंगे झरना गेट, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में झरना गेट पे हमारी सफारी बुक है। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी 1:20 हो रहे हैं, यहाँ से हम निकल दिए हैं, सीधे चलते हैं रामनगर। मुश्किल से 12-15 किलोमीटर रामनगर है यहाँ से, 10 मिनट का टाइम लगेगा, सड़क बड़ी अच्छी है रामनगर। तो भाई फाइनली युवराज भाई मिल गए और जिप्सी मिल गई, तो हम जिप्सी पे सवार हो गए हैं। वो गए हैं थोड़ा सा परमिट चेक कराने, परमिट चेक करा के आ जाते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इंटर कर रहे हैं। अभी तो हम ढेला गेट पे हैं, इसके बाद हम झरना गेट पे पहुंचेंगे। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ की जय। तो युवराज भाई हमको जंगल के बारे में पूरा समझाएंगे बताएंगे। जंगल में बता रहे थे ना भैया कि बेसिक जानकारी होती है, जंगल में उतरना नहीं है जी कहीं पे जी। और जब जब मैं गाड़ी रोकूं तो तब आप लोगों ने बिल्कुल नहीं बोलना है, थोड़ा सा कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा, तभी मैं आपको एक बड़े प्रेडेटर तक ले जा पाऊंगा। तो बेसिक जानकारी आपको जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो मैं देता रहूंगा जी, जी। सबसे बात कर लेते हैं पहले एंट्री गेट की और कॉर्बेट के जोन की। कॉर्बेट के अलग अलग यहाँ पे 6 जोन है, 2 जोन इसके 100 किलोमीटर दूर है, तो टोटल 8 जोन पड़ते हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35 या 40 किलोमीटर है। तो जितने जोन है सबके एक एक गेट है, बट ये जो जोन है झिरना जोन, इसमें जाने में आप 2 जोनों को कवर करते हैं। उसका गेट पड़ता है ढेला जी, ढेला जोन। अभी हम ढेला जोन में चल रहे हैं। ये मेटल रोड आपको इसलिए दिख रही है, ये कभी एक विलेज था ढेला, सबसे लास्ट में ढेला जोन को ही रिलोकेट किया था। ओके। जितने ये कॉर्बेट के जोन है ना जी, ये सारे विलेज थे पहले। जब टाइगर संरक्षण की बात चली तो इनके पास घना जंगल था, नेचुरल पानी था, नहीं था तो ग्रासलैंड। तो इन्होंने क्या किया, उन विलेजेस को धीरे धीरे रिलोकेट किया और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। ओके? ओके। सबसे पहले डिकाला वाला विलेज को रिलोकेट किया था और सबसे लास्ट में ढेला। ओके। तो ढेला गांव को तो रिलोकेट कर दिया, बट गवर्नमेंट ने रोड को तोड़ा नहीं। अभी रोड है बट रोड का कमर्शियल यूज नहीं है, ठीक है। और ये रोड अगर टूटेगा तो गवर्नमेंट इसे बनाएगी नहीं। कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से आप जंगल के अंदर एंटर कर चुके हैं। सडनली आप आगे भी नजर रखिए, कोई भी एनिमल क्रॉस करते हुए दिख सकता है आपको। और जंगल काफी ज्यादा थिक है, तो बगल में ही बैठा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा अगल बगल भी ध्यान देते हुए। तो जो गाड़ी झिरना जाती है वो ढेला जोन कॉम्प्लीमेंट्री घूमते हुए जाती है 25% समथिंग। ये तो अच्छा हुआ। हाँ, और जो ढेला जाएगा वो झिरना नहीं जाएगा। तो हमारे लिए ये वाला पार्ट जिसमें मेटल रोड है ये प्लस पॉइंट है, इसके बाद हमारा जोन अलग शुरू होगा, ठीक है भैया जी। जी, इस पार्क को आप विजिट कर रहे हैं ना भैया, थोड़ा सा इसका बारे में बता दें। एक तो ये एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936 जी, और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। ओके। तो ये शुरू किया था अवेयरनेस के लिए। मेन क्या है ना, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने टूरिज्म है वो सेकंड नंबर पे रखा है और फर्स्ट नंबर पे रखा है कंजर्व करना। ओके। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा पहला है 1936, हाँ पहला नेशनल पार्क 1973, पहला टाइगर रिजर्व। आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क है, 53 टाइगर रिजर्व है, तो उसका वैल्यू अलग लेवल का भैया। यहाँ पे रणथंभौर की तरह नहीं कि गाड़ियों में आपका वॉकी टॉकी वगैरह या टाइगर के गले में कॉलर डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नेचुरल है। सारा नेचुरल है, इतना तक नेचुरल है कि कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की जो लकड़ी गिर जाती है ना, गवर्नमेंट उसे तक नहीं उठाती है। क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आ रहे हो, यही बच्चा आपका 20-25 साल बाद भी यही जंगल देखने आए। ये तभी होगा जब आप जंगल को जंगल के हालात छोड़ोगे जी, क्योंकि नेचर का गिरा हुआ पेड़ भी ना फूड चेन का काम करता है। इसके बारे में बताता हूँ, इधर कहीं दिखेगा, ये है देखो, ये देख रहे हैं जो है मिट्टी का घर सा, ये टर्माइट हिल्स है। ये मेरी इसी बात से रिलेटेड है जो मैंने बताया था आपको कि गिरा हुआ लकड़ी नहीं उठाते हैं। होता क्या है, जो गिरा हुआ लकड़ी टर्माइट क्या करता है, नेचर की इसमें प्रोटीन होता है, ये नेचर की फूड चेन को हेल्प करता है। और टर्माइट खुद कैसे डेवलप होता है, डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डिकम्पोज करेगा ना, टर्माइट ने डेड ट्रीज को डिकम्पोज किया, टर्माइट हिल्स बना, टर्माइट को बर्ड्स, बर्ड्स को स्नेक, स्नेक को ईगल, इस तरीके से फूड चेन मेंटेन करता है। हमारे घर में दीमक लग जाती है तो नुकसान देती है, बट जिस जंगल में जितना ज्यादा होता है वो उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होता है। ओके, सही सही सही। ऊपर पैराकिट जा रही है, ग्रीन कलर की बर्ड थी ना, अगल बगल आपको
कड़ी पत्ते के भी काफी ज्यादा पेड़ दिख रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है, पत्ता बहुत है, जंगल काफी डेंस है। देखते हैं क्या मिलता है आज। तो कहने जंगल तो मिलेगा। हाँ, जंगल देखिए ना, अपने जंगल देखने बिल्कुल अपने दिमाग में टाइगर मत रखिए, टाइगर नहीं, का सारा जंगल घूमने आया जी, जी मेरे दिमाग में है, कहीं पे बनेगा तो आपको बिल्कुल ले जाया जाएगा। थोड़ा इनसे पूछते हैं अपने मित्र से। हाँ दीक्षा, कुछ है माहौल, कुछ माहौल आ ही रहे हो क्या? गुरु जी ढेला हो क्या? चलो, हमारा झिरना जोन है, इनका ढेला जोन है, तो हमने अपना जोन कवर करना है। ओके, कई दफे यहाँ पे भी आपको सडनली टाइगर क्रॉस करते हुए मिल सकता है, और कई दफे हिरण की संख्या यहाँ पे है बढ़िया। हाँ भैया, यहाँ पे जो टाइगर का नंबर है वो है 250 प्लस, और डियर है 50,000। अच्छा, है ना, 50,000 हिरण है, और क्षेत्रफल भी हमारे पार्क का बहुत बड़ा है, 1288 स्क्वायर किलोमीटर, दो दिल्ली समा जाएंगे इसमें, इतना बड़ा जंगल है। और गवर्नमेंट जो है 12-15% एरिया में टूरिज्म कराती है, यानी कि 100% एरिया में घूम रहे हैं हम, बहुत कम एरिया में घूम रहे हैं, उसमें भी 8 गेट हैं। ये है, ये सारा जो आ गया है ग्रासलैंड, इसे सवाना ग्रास भी बोल सकते हो आप। अच्छा, सवाना ग्रास। हाँ, और ये सारे खेत थे भैया, पहले मैंने बताया ना मैनमेड है हमारे पास, ये जो ग्रासलैंड है ये सारे मैनमेड है, इसीलिए हर साल गवर्नमेंट कटाती है, जलाती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये सारा शिवालिक रेंज है। ओके, देखिए टाइगर या लेपर्ड तो भाई समझो किस्मत से आता है। बिल्कुल ना, थोड़ा सा मैं पन्ना टाइगर रिजर्व सफारी कर रहा था, उसमें 45 गाड़ियां अंदर गई थी, केवल मेरी जिप्सी को साइटिंग हुई थी। हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल अकेली जिप्सी साइटिंग हुई थी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा ना, आप जैसे गिर जाओगे तो गिर में लॉयन दिखते हैं, लॉयन थोड़ा सा आपको इजिली दिख सकता है, और तो ना टाइगर रिजर्व में आप टाइगर देखने जा रहे हैं, एक तो यहाँ पे ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे टूरिज्म को गवर्नमेंट ने सेकंड नंबर पे रखा है, फर्स्ट नंबर पे कंजर्व करना है, तो लिमिटेड एरिया हमें दिए जाते हैं, उसमें हमने घुमाना है। पर टाइगर का भी थोड़ा बिहेवियर जानो। देखो, टाइगर है एक शाई एनिमल, एक सॉलिटरी एनिमल, एक एम्बुस हंटर है ना, जो छुपके शिकार करता है, जिसके नीति छुपके शिकार करना वो हमें इजिली नहीं दिखेगा, वो बचा रहेगा, है ना। तो टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है जो अपना एरिया बना के रखता है। टाइगर अपना एरिया कैसे बनाता है और कितने स्क्वायर किलोमीटर का बनाता है, कैसे बनाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, पहले इसके बारे में बता देते हैं। ये ढेला जोन पे ये ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड है, और अंदर वाला डेंस फॉरेस्ट है। ये ढेला जोन का आपके रेंज ऑफिस है, रेंज चौकी भी बोल सकते हैं इसे, यहाँ पे स्टाफ रहता है, चारों तरफ से सोलर फेंस है, इतना करंट है कि एनिमल को हार्म ना हो, सिर्फ झटका लगे। तो टाइगर अपनी टेरिटरी कैसे बनाता है, अपने पैरों पे खड़ा होता है और अपने हाथों को यूं करके पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। उससे तीन काम होते हैं, उसके नाखून साफ होते हैं, शार्प होते हैं, उसकी टेरिटरी मार्क होती है। ये बताना होता है अगले नरबाग को मेरे अंदाज में कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना है ना। अच्छा, दूसरा यूरिन की स्मेल से कवर करता है, आपने कैट बिल्ली वगैरह को देखा होगा अपने घर में करते हुए ना, तो ऐसे करता है। और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है, मैंने अभी आपको टाइगर कितने बताए थे 250 प्लस, और डियर कितने बताए थे 50,000 प्लस। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी है जो लोग बोलते हैं बड़े भाई कि इस खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। इन 50,000 हिरनों की वजह से ही आप खुली गाड़ी में सफारी कर पा रहे हैं, क्योंकि टाइगर को अपना फूड अवेलेबल है। जिस दिन उसका फूड कम होने लगा ना, तो हमें अपने फूड मेन्यू में रख लेगा, हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो फूड अच्छा होने की वजह से, और हमेशा टेरिटरी बनाता भैया नरबाग, ध्यान से सुनना, मेल टाइगर अपनी टेरिटरी बनाएगा, और फूड अच्छा होने की वजह से यहाँ एक मेल टाइगर का टेरिटरी है 10-12 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आप सोचोगे 10-12 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही टाइगर है, नहीं, एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल आ जाती है, और फीमेल की टेरिटरी छोटी होती है। ये सारी सीजनेबल रिवर है, इसमें बरसातों में पानी आता है भैया, और इतना पानी आता है स्पीड में आएगा, इतने बड़े बड़े रेड लॉग बह के आए देखो, पर थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा। ओके, बह गया बस। बिल्कुल, तो 2 फीमेल 1 मेल, और एक फीमेल को होता है मैक्सिमम 3 बच्चा, और माँ बच्चों को 2-2.5 साल तक अपने पास रखती है। 2-2.5 साल की उम्र का बच्चा उस माँ की नज़र में बच्चा है, हमारी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। वो 2-2.5 साल की उम्र में लगभग माँ जितना ग्रो कर जाता है। ओके, तो एक फीमेल को 3, 2 फीमेल को 6, 3 बड़े, 9-10 टाइगर ही है 10-12 स्क्वायर किलोमीटर में। देखते हैं क्या माहौल बनेगा। ये यहाँ से ऑफ रोड सफारी हमारी शुरू हो गई थी पीछे से, जहाँ तक मेटल रोड है वहां तक ढेला जोन है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये झिरना जोन शुरू हो गया। एक एंट्री शुरू हो गया जी, एक एंट्री यहाँ पे कराएंगे हम आप झिरना गेट पे, इस गेट का नाम है खारा गेट, और इसी गेट से हमें वापस आना है। अंदर हमें 7 किलोमीटर सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर राउंड सर्कल मिलेगा, अलग अलग गाड़ियां लेके घूम सकते हैं।
थोड़ा सा गेट वाले भाई ने बताया था कि यहाँ पे कोई कॉल हुई थी, और जो आपने प्राइवेट व्हीकल देखा ना जी, ये फॉरेस्ट के कोई ऑफिसर हैं, वो आए हुए हैं, वो अपने व्हीकल से आ सकते हैं। बट अभी कोई यहाँ पे प्राइवेट आदमी ऐसा कोई नहीं दिखेगा, जो भी आपको बाइक में दिख रहा है या पैदल दिख रहा है वो सब फॉरेस्ट के आदमी है। तो एक अलार्म कॉल बताई थी भाई ने, देखते हैं थोड़ी देर उसे ऑब्जर्व करेंगे। लंगूर हैं कि नहीं यहाँ पे? बहुत, क्योंकि लंगूर ही सबसे पहले खबर करता है। हाँ, लंगूर भी हैं, बंदर भी हैं, रिसेस मकाक है ना। डियर की तीन इस प्रकार की स्पेसीज हैं, सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, स्पॉटेड डियर और बार्किंग डियर, चौथा दिखता हॉक डियर पर उसका हैबिटेट है ग्रासलैंड, वो डिकाला में दिखता है। अभी हम धूप में आए हैं तो जितने भी मैं आपको डियर वगैरह बता रहा हूँ ना, ये कॉमन वाइल्ड लाइफ है, ये तो आपको बहुत दिखेगी जी, है ना। वो अभी अंदर शेड में आराम कर रहे होंगे क्योंकि धूप हुई है बहुत। इतनी धूप में तो टाइगर या तो फिर पानी के लिए, पानी। हाँ देखो ना, हम सोचते हैं समर में यार दिन की सफारी, मेरे हिसाब से गर्मियों में दिन की सफारी ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाइगर को जब गर्मी लगेगी तब वो पानी के लिए मूवमेंट करेगा, है ना। पानी के लिए मूवमेंट ही करते, पानी या तो फिर शिकार। और शिकार वो ज्यादा रात को करना पसंद करता है, क्योंकि टाइगर एक नॉक्टर्नल एनिमल है, ये रात को इसे 5-6 गुना ज्यादा दिखता है। अच्छा। हाँ, रात को एक्टिव होता है ना टाइगर, तो दिन में तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, और डियर को रात को कम दिखता है, इसलिए जल्दी शिकार मिल जाता ये है। तो जिस भी हिरन के एंटीलर होंगे सीन, वो मेल है, और इसके भी एंटीलर हर साल गिरते हैं, हर साल नए आते हैं। इसके एंटीलर देख रहे हो, इसमें वेलबेट चढ़ा हुआ है, देखिए। तो ये ब्लड सर्कुलेशन के बाद उसे निकाल देता है, और हर साल गिरेंगे, हर साल नए आएंगे। और इनके इतने सींग गिरते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, इनके जो एंटीलर गिरते हैं ये फूड होते हैं पॉर्क्यूपाइन के, जो शेई होती है ना, उसे कैल्शियम चाहिए होता, तो इसको अपने फूड में लेती है। देखो ना, कुदरत का करिश्मा देखो, अगर टाइगर को इसका फूड बनाया है इसको, तो इसे भी भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया, इसे प्रजनन क्षमता ज्यादा दी है। और एनिमल साल में एक बार बच्चा देगा, ये 2 बार बच्चा देगा। अच्छा। जिससे माँ को बच्चे की कमी ना हो, टाइगर का फूड बना रहे। ये पानी के लिए मूव कर रहे हैं अभी, या पानी पी के आ रहे हैं, नीचे भी वाटर बॉडी है। ऐसे डियर हमें काफी दिखेंगे, लोग बोलते हैं युवराज भाई डियर ही दिख रहे हैं, बट इन्हीं डियरों की वजह से हम खुली गाड़ी में घूम पा रहे हैं। सही। ये मेल है ये भी। सिंह है। चलो बढ़ते हैं। यहाँ के टाइगर को नरभक्षी जब हो जाता है तो उसे ट्रैंकुलाइज करना, उसे रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तो 250 जो टाइगर है ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है, क्योंकि हर जगह कैमरे नहीं लगे हैं, और जो है टाइगर जो कप्स होता है उनका भी काउंट नहीं होता, इसलिए इससे ज्यादा ही टाइगर है यहाँ पे। जिम कार्बेट के टाइगर चार्ज ज्यादा करते हैं? चार्ज ऐसा नहीं करता, बहुत रेयर कंडीशन हो जाती है कि उसका और आपका सडनली वाला मामला हो गया, तब वो गाड़ी पे मॉक चार्ज कर देगा। अच्छा। मॉक चार्ज में वही जो आप बोल रहे हो चार्ज करना, वही सेम ही होता है, गाड़ी के करीब आ जाएगा एकदम गुर्राते हुए। जंगल काफी थिक है, लोग हमसे फोन करके पूछते हैं कि युवराज भाई क्या सही समय रहता आने का, हम बोलते हैं आप देखना क्या चाहते हो, अगर आपको भाई जंगल खूबसूरत देखना है तो जो है आप बरसात में आओ, सबसे बढ़िया। हाँ, बरसात में आपको हर जगह हरियाली मिलेगी, और बोलते हैं बरसात में जंगल अपना श्रृंगार करता है, पर बरसात में टाइगर साइटिंग बहुत कम हो जाती है, जब उसे अपने बेडरूम के पास पानी मिल रहा है, पानी मिल जाएगा तो बाहर क्यों निकलेगा। अब आ जाते हैं हम बरसात के बाद आपका जाड़ों में, विंटर में, इस टाइम में साइटिंग बढ़ जाती है। और क्यों? क्योंकि बताए थे अक्टूबर लास्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक मेटिंग सीजन का टाइम है, तो और इस टाइम पे टाइगर की आप ग्राउलिंग सुन सकते हो, तो उस समय टाइगर जब मूवमेंट करेगा, जंगल तो बहुत घना है, पर जब खुले में आएगा तब आपको दिखाई देगा, ग्राउलिंग सुन सकते हो टाइगर की, आउम आउम इस तरीके से। फिर उसके बाद आ जाओ समर में, समर में विजिबिलिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि फरवरी मंथ के बाद पतझड़ शुरू हो जाता है, मई जून आने में जंगल ड्राई हो जाएगा। पहला टाइगर साइटिंग बढ़ने का कारण कि आजकल आप दूर दूर तक नहीं देख पा रहे, उस टाइम पे आप दूर दूर तक देखते हो। और दूसरा पानी, हमारी जो नदियां हैं ये सारी सीजनेबल हैं, है ना, इसमें बरसात के बाद जो जाड़ों में पानी रहता है वो रहता है स्प्रिंग वाटर, जो जमीन से निकलता है, तो गर्मियां पड़ने तक जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वो स्प्रिंग वाटर सूखने लगता है, तो टाइगर की मजबूरी है पानी के लिए आना मैनमेड वाटर बॉडियों के पास, और वो मैनमेड वाटर बॉडी अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होते हैं,
जिससे क्लाइंट को एनिमल और एनिमल को पानी मिल जाए, ये भी एक बेनिफिट है। यहाँ पे मैनमेड वाटर बॉडियां दिखाएंगे, इसमें गवर्नमेंट कैंट्रो से लाके पानी डालती है। नदी में तो किसी पानी नहीं होगा, इधर भी डियर का झुंड है, सब शेड में है, देखो छाया में है ना। नदी में अभी पानी नहीं मिलेगा, बट अभी बीच में जो बारिश पड़ी थी उसमें आ गया था पानी। ये ओपन एरिया आ गया, मैंने बताया था ना 7 किलोमीटर हमारा जो है एक सिंगल ट्रैक रहेगा। ऐसी सीजनेबल नदियां रिवर हमें काफी ज्यादा मिलती रहेंगी। अभी ग्रासलैंड वाले एरिया पे दो रोड कटेंगी और हम चूज करेंगे अभी इस रोड को, क्योंकि इस रोड पे वाटर बॉडियां काफी ज्यादा है तो पानी के पास थोड़ा मूवमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उधर देखेंगे। ये सारा ग्रासलैंड वाला एरिया आ गया और जितने पेड़ देख रहे हैं आपको, बेर के पेड़ है, सबरी के पेड़, बेर समझते हैं? अच्छा, ये छोटे वाले? हाँ, ये भी वही है, बेर का पेड़ ना। तो यहाँ पे फ्रूट में बेर है, जामुन है, वुड एप्पल है, आंवला है, तेंदू है, ये सब एनिमल्स के लिए है। ओके, जंगल का पहले पूरा राउंड लेंगे, कुछ मूवमेंट मिलेगा फिर राउंड लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे कैंपस में जहाँ पे 10-15 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद जर्नी शुरू की जाएगी। और इवनिंग सफारी में जो लास्ट का टाइम होता है, इवनिंग सफारी में लेट इवनिंग और मॉर्निंग सफारी अर्ली मॉर्निंग है ना, क्योंकि टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है, वो रात को मूवमेंट कर रहा है, रात को तो हम जंगल में आ नहीं सकते, तो सुबह की सफारी में या तो सुबह सुबह पकड़ेंगे और शाम की सफारी में लेट इवनिंग है, देर तक। सुबह की सफारी में तो जहाँ धूप निकली तहाँ गायब। हाँ, तो है सनलाइट जैसे जैसे बढ़ता जाता है एनिमल शेड में जाते रहते हैं ना, लेकिन धूप निकलने के बाद लेपर्ड की साइटिंग बढ़ जाती है। हाँ, पर इन एरियो में लेपर्ड की साइटिंग आपको कम मिलेगी क्योंकि ये टाइगर टेरिटरी है। अच्छा। और टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता जो उसके फूड को डिस्टर्ब करे, तो टाइगर मार देता है लेपर्ड को। ओके, लेपर्ड का बचने का एक ही प्लस पॉइंट है, बस वो जो पेड़ पे चढ़ जाता है बस, नहीं तो उसके टाइगर लेपर्ड के सामने टाइगर काफी हैवी है, कहाँ टाइगर 250 kg और कहाँ लेपर्ड 100 kg प्लस। तो ऐसे पानी के तालाब है, दिख रहे हैं? ऐसे पानी पीने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एनिमल्स के लिए। आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे दोबारा आते रहेंगे इन एरियो पे। ऊपर आपको वल्चर्स दिख रहे हैं, क्या वल्चर्स यहाँ भी है? हाँ, वल्चर यहाँ भी है, देख रहे हैं कितने सारे वल्चर्स हैं। ये भी नेचर का अहम पार्ट है। अरे बहुत जरूरी, टर्माइट दैट ट्रीज को डिकम्पोज करता है वैसे ही है मरे हुए जानवरों को। बिल्कुल, हाँ, करी के पौधे ज्यादा है, करी पत्ता बहुत है मैडम यहाँ पे। और ये बहुत हार्ड है, इसका खुशबू बता, स्मेल इसमें आपको दूंगा, स्मेल देखना कितनी जबरदस्त आ रही होगी इसमें से, नेचुरल होगा ना एकदम, ऑर्गेनिक है ना। पार्क धीरे धीरे बढ़ा है, लोग अदर स्टेट से आते हैं उनके माइंड में रहता है हम उत्तराखंड जा रहे हैं, उत्तराखंड में इतना ही फॉरेस्ट है जितना जिम कॉर्बेट है, ये गलत है। उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है और जो जिम कॉर्बेट का एरिया है वो जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी नेशनल पार्क को कवर्ड नहीं करती है, क्योंकि इसमें से कई एनिमल्स ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं, जिनमें आता है एलिफेंट। एलिफेंट एक माइग्रेट करने वाला जानवर है जो 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसका डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है। देखो, कुदरत ने उसे भी इतना बड़ा शरीर दिया है ना, तो उसको भी उसका काम सौंपा है। कुदरत ने हाथी को बनाया है जंगल का मालिक। एलिफेंट जब 24 घंटे में से 16-17 घंटे चलता है तो पेड़ों को तोड़ता है, रास्ते बनाता है। ओके, और एलिफेंट जितना खाता है ना उसका सिर्फ 35-40% उसकी बॉडी में लगता है, 65% जो गोबर में वेस्ट जाता है उसमें जो शीट आते हैं उससे नया जंगल उगता है, स्प्रेड का काम। हाँ, तो हमारे यहाँ का हाथी यूपी से होते हुए कालागढ़ कोटद्वार होते हुए जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है, तो इतना दूर चलता है, इसीलिए नेशनल पार्क को कभी कवर्ड नहीं किया जाता है। ओके, जहाँ जहाँ पे रिहायशी एरिया होंगे थोड़ा बहुत वहाँ पे गवर्नमेंट सोलर पैनल वगैरह दे देती है। ऐसे जंगल में जब फॉरेस्ट वाले ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं तो उनके लिए ऐसे वो बने हुए हैं वॉच टावर, और ये जंगल पूरा थर्मल कैमरों से भरा हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट बहुत सिक्योरिटी रखती है, परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता, क्योंकि ये जो दो जोन है ये हमारे यूपी बॉर्डर से लगे हुए हैं। पानी के पास एक टाइगर उतरा है शायद, मुझे देखो ना ये नंगे पैर जैसा चला है ना, तो ये स्लॉथ बियर के पैर के निशान है। और ये हाई बैंक एरिया है, यहाँ पे जो है साइटिंग के थोड़े से चांस ज्यादा हो जाते हैं समर में, उधर कई सारी डियर्स और लंगूर पानी पी रहे हैं, देख सकते हैं, दिख रहा है नीचे? देख रहा है नीचे, वो पानी है, वो सांबर डियर खड़ा है नीचे देखो पानी के पास। हाँ। इसका जरा भालू वालू निकल जाए, लंगूर भी पानी पी रहे हैं। अगर वहां से शो शुरू करता है तो वो बहुत चला गया, उसे इतना तक पता है कि गाड़ियां कब आती हैं कब जाती हैं,
है ना। और पानी पानी में आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमने पानी में ऐसी चीज होते हुए देखी कि एक तरफ टाइगर और एक तरफ एलिफेंट और एक तरफ डियर पानी पी रहे हैं एक ही साथ एक ही पानी में। हाँ तो ये पानी ऐसा चीज है गर्मियों में इनके लिए कि मौत से भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक मिनट एक मिनट स्लो मोमेंट। ये वुड एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं वुड एप्पल। इसका बीड़ी बनाई जाती है इसके पत्तों की। और जो ये वाला पेड़ है इस तरफ वाला, ये है अकेशिया कटेचू जिसका कत्था बनाया जाता है। अच्छा, काफी महंगा पेड़ होता है पान में लगाने वाला। पर यहाँ से कुछ ले जाना अलाउड नहीं है, ना यहाँ पे कुछ लगा सकते हो ना ले जा सकते हो, जो जैसा है वो वैसी रहेगा। प्रकृति को जो करना हो करे। जी जी जी, आवाज हमारे कान से नहीं बच सकती, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। है ना, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये आवाज टाइगर दिखाने वाली है तो मैं खुद ब्रेक मार दूंगा। इस पेड़ को बोलते हैं सिंदूर का पेड़ भी। अच्छा, तो इसमें जो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, इसमें पाउडर जैसा लगता है। तो हमारी पुराने टाइम की लेडीज जो ओरिजिनल सिंदूर लगता था वो इसी का बनता था। मतलब महिलाओं के सिंदूर और पुरुषों के चंदन लगाने का साइंटिफिक रीजन था, मस्तिष्क ठंडा रहता था। ओके, पेड़ काफी ठंडा होता है इसकी तासीर, इसलिए हाथी इसको हाथी खाता है गर्मियों में। कहाँ पे? अब ऊपर ऊपर होगा फिर ऊपर, इसमें नहीं है ऊपर है। हाँ इसमें तो मैं था। वो ऊपर है शायद, इसमें तो मैं खड़ा था। छोटे छोटे एकदम नजदीक से आती है। अच्छा, हाँ इसलिए वहां गर्मी पड़ती तो यहाँ पे आ जाती है। इसका नाम है ग्रीन बी ईटर। ओके, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत खूबसूरत बर्ड। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। तो कॉल हो रही थी वहां, किसी ने कूक मार दी, पता नहीं किसने कूक मारी बीच वाले में। वो बता रहे हैं पंजे लगे हैं बीला बैंड से ऊपर को जाने के। ग्रुप चलता है तो वो बच्चा माँ के पैर के नीचे चलेगा, तो टाइगर उसे बड़े दिमाग से मारेगा। क्या करेगा, जब बच्चा माँ के पैर के नीचे चलेगा तो टाइगर हल्का सा भी कुछ अपना ग्राउलिंग कर गया, कुछ करके थोड़ा बहुत करके माँ को इधर उधर करेगा और मौका देख के बच्चे के बैक साइड पे एक जोरदार पंजा दे देगा। फिर उसके बाद टाइगर पीछे पीछे लगा रहेगा, बच्चे का ब्लड गिरने लगेगा, बच्चा चलता रहेगा, वो डल पड़ता रहेगा। लास्ट मोमेंट तक भी माँ उसे धक्का दे दे के कोशिश करती है कि और चले। जब फाइनली हो गया ना, बच्चा ग्रुप को फॉलो नहीं कर पाएगा तो मजबूरी में माँ को और ग्रुप को ना बच्चे को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। तब जंगल का नियम लगता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। तो जैसे ही माँ ने और ग्रुप ने बच्चे को छोड़ा, टाइगर ने पीछे से आके लपक लिया और टाइगर का बहुत एक लंबे दम का शिकार हो गया। टाइगर जंगल में ये नहीं, जंगल में आया तो एम ए किसी को उठा के ले जाएगा। टाइगर जंगल में 10-15 बार अपने शिकार की कोशिश करता है, तब जाके उसे कहीं 16 या 17 बार में जो है शिकार मिलेगा। यानी कि वो आया उठा के किलिंग रेशियो बहुत खराब है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। खाने के बगैर 10 दिन तक रह लेगा बट पानी के बगैर नहीं रह सकता। हमारे यहाँ पे टाइगर काफी बढ़ रहे हैं और टाइगर टेरिटरी फाइट में बहुत ज्यादा मरते हैं। अभी जो जंगल में टाइगर का जो एज होता है वो होता है आपका 12-13 साल, ज्यादा 10-12 या 13 साल। और जू में इन्हें फ्रूट प्रोवाइड कराया जाता है तो वहां पे इनका थोड़ा सा ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं।
अभी मैं आपको टाइगर की क्लो मार्किंग दिखाता हूँ, टाइगर कैसे क्लो मार्क करता है। एक जगह पेड़ पे उसने अपनी मार्किंग दिखाई भी है। ऐसे संख्या बढ़ रही है, टेरिटरी फाइटिंग बहुत बढ़ जाएगी। टेरिटरी फाइटिंग बढ़ रही है और टेरिटरी फाइट के बाद भी यहाँ पे जैसे लास्ट ईयर यहाँ पे एक टाइगर नरभक्षी हो गया था जिसने 8 से 10 लोगों को मार रहा था, पता है। अच्छा, गर्जिया मंदिर आपने सुना, गर्जिया मंदिर, गर्जिया मंदिर उससे आगे हुआ था। मेन रोड कुछ लड़के आ रहे थे रानीखेत से बाइक में, उसे तो एक को तो बाइक से ही उठा के ले गया, एक फॉरेस्ट वाला मारा, एक को घायल किया, फिर एक पागल आदमी, फिर एक जंगल में कुछ लड़के ड्रिंक कर रहे थे उसे मारा, उसी एरिया की बात है। तो यहाँ पे कुछ कारण है, मैं बताता हूँ क्यों टाइगर नरभक्षी होता है, क्या कारण है। यहाँ पे वो पेड़ दिख रहा है सामने छोटा वाला, देखो पतला वाला पेड़ दिख रहा है, उसमें टाइगर ने स्क्रैच किए हुए हैं, देखो ना दोनों तरफ से, मैं दूसरी तरफ से, ऊंचा है काफी ऊंचा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इससे भी ऊंचा ऊंचा मिलेगा आपको, और इस तरफ से देखो ये दोनों तरफ से रगड़ा है ना, बाप रे बाप। तो ऐसे करता है टाइगर क्लो मार्किंग, ओके, अपना एरिया मार्क करता है। दरअसल मैं यहाँ पे टाइगर के वैसे नरभक्षी होने का कारण क्या रहता है, जब इसके शरीर के अंग खराब हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए, अपने शिकार को कवर ना कर पा रहा हो। अब बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि एक मेल के टेरिटरी में 2 फीमेल रहती हैं और एक फीमेल को मैक्सिमम 3 बच्चा होता है। जैसे माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया जिसमें से 2 फीमेल हैं और 1 मेल है। मेल जो है 2.5 से 3 साल बाद माँ को छोड़ देगा और अपनी टेरिटरी बनाएगा, हो सकता है वो अपने ही फादर से भिड़ जाए, ठीक है, और जो फीमेल होगी वो माँ को भी टेरिटरी से बाहर निकाल सकती है। अच्छा, तो जब इनकी टेरिटरी फाइट होती है, टेरिटरी फाइट में जो हार जाता है उसे टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी, और दूसरे की बाहर आएगा तो दूसरे की टेरिटरी में वो टाइगर उसे भगा देगा, तो जो घायल टाइगर होता है वो आ जाता है बफर जोन में। इजी पेयर ढूंढने भी, क्योंकि उसे वहां पे घरेलू मवेशी कैटल वगैरह गाय भैंस वगैरह इजिली मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ना जितने जोन है ये सारे गाँव थे पहले, तो 1972 फॉरेस्ट एक्ट के तहत उन विलेजेस लेडी को जो कभी जंगल के अंदर रहते थे, जिन्हें बाहर शिफ्ट कर दिया, रिलोकेट कर दिया, उन्हें बफर जोन में लकड़ी काटना, घास ले जाना अलाउड है। तो गांव की लेडीज जब जंगल में घास काटने आती है और घास काटने के लिए जब वो झुकती है ना, तो उसका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो टाइगर मैंने बताया ना नॉक्टर्नल है, तो डे में कई दफे वो उसे एनिमल समझ के झपट जाता है। और कई दफे हमारे यहाँ पे नरभक्षी होने का या जानवरों का और इंसानों के संघर्ष होने का एक कारण ये भी कि हमारे बफर जोन में लोकल विलेजेस लेडियां जाती हैं हरी पत्ता और लकड़ी लेने के लिए। हाँ जनाब, टाइगर ने घायल कर दिया, या टाइगर घायल क्यों करेगा, तो ये कंडीशन है। वो कई दफे लेडीज पे जो झपटता होने रहता है, इंसान है, कंफ्यूजन हो जाता है, इंसान है तो उसे छोड़ देता है, और कई दफे इंसान कमजोर होता है वो मर भी जाता है। फिर जब अगर वो घायल टाइगर से इंसान मर जाए तो उसे लगता है तो इजी पेयर था यार, तो आसान शिकार था, मैं खाली डरता था इंसानों से, है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे। कभी सुना आपने टाइगर ने आबादी में आके मारा? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। नहीं। अभी टाइगर मैनेटर हो जाए तो फॉरेस्ट वाले उसे रेस्क्यू करने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर लेपर्ड मैनेटर हो जाए, सबसे दरिंदा होता है लेपर्ड, लेपर्ड इतना खतरनाक होता है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, उसका कोई मॉरल नहीं, उसका कोई घर नहीं है। लेपर्ड आपका स्कूलों की शहर की बिल्डिंगों में छुप जाएगा, लेपर्ड इधर गांव में आ जाएगा, लेपर्ड पहाड़ पे चढ़ जाएगा। मैं 1920 वाले लेपर्ड की बात बताता हूँ जिसने 5 जून 1918 से लेके 2 मई 1926 तक जी उत्तराखंड का एक जगह पड़ता है रुद्रप्रयाग, कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे तो आप रुद्रप्रयाग जाना जी। रुद्रप्रयाग में उस लेपर्ड का शिकार किया था ना, जिसने पहला शिकार था उसका 5 जून 1918, और लास्ट मारा था उसने 2 मई 1926। इतना भयंकर लेपर्ड था कि उसका खौफ इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। अरे वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में उस जमाने में 4000 शिकारी लगाए गए थे, 2500 पिंजरे, ध्यान से सुनना, 2500 पिंजरे लगाए गए थे, और मरी हुई लाशों में ना जहर डाला जाता था, वो बॉडी के उन पार्ट को खाता ही नहीं था जिसमें जहर होता था, वो इतना शार्प लेपर्ड था। वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में हिंदुस्तान का नाम आजादी से पहले विदेशों के अखबारों में छा गया था कि हिंदुस्तान में एक लेपर्ड ऐसा मैनेटर हुआ है, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1926 में मारा। आज भी आप रुद्रप्रयाग जाओगे ना, तो रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओगे, रुद्रप्रयाग जाना, रुद्रप्रयाग में वो वॉच टावर आज भी वहीं पे है जहां से जिम कॉर्बेट ने उस लेपर्ड का शिकार किया था। उस वॉच टावर के नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बना दिया है, और 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को एक बड़े फेस्टिवल, अपने लोकल फेस्टिवल से ज्यादा उसके बर्थडे को मनाते हैं, उसे भगवान की तरह लोग पूजते हैं। भाई उसने उतना नरभक्षी मारा थे ना, तो आज भी टाइगर लेपर्ड मैनेटर होते हैं, पहले भी होते थे,
उस समय क्या हुआ था ये टाइगर लेपर्ड इतना ज्यादा नरभक्षी हो गया? आपने सुना होगा 1916 या 1917 में हमारे इंडिया के कई एरियो में एक बीमारी फैली थी जिसे बोलते थे कॉलरा। जी जी, कॉलरा में क्या करते थे, बॉडियों को जलाते नहीं थे, ऐसी कोविड जैसी बीमारी थी छुआछूत वाली। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी लोग, हाँ, ले आई थी। जी, लोग इतने मरने लगे, लोगों ने बॉडियां नदी में फेंकना शुरू कर दिया। जी, तो जिम कॉर्बेट ने कहीं अपनी बुक में लिखा है कहीं इस लेपर्ड के मैनिटर होने का कारण ये तो नहीं था? तो जब बॉडियां नीचे आने लगी तो उस लेपर्ड ने उन बॉडियों को खाना शुरू किया, लोग मरते गए, बॉडियां आती रही, वो लेपर्ड खाता रहा। इस प्यूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, गांव वाले खुश हो गए, बट 40 दिन बाद वो काली रात शुरू हुई जिसके साए में वो 8 साल तक जीते रहे। 8 साल एक लंबा पीरियड होता है। ओके, तो जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड का शिकार किया था? लेपर्ड भी मारे थे उन्होंने, टाइगर मारा था 1909 में, उस टाइगर का शिकार किया था, टाइग्रेस का, जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, उत्तराखंड का एक जगह पड़ता है डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर पे, चंपावत। हाँ हाँ, तो वहाँ उस टाइग्रेस को मारा था ना, उसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस टाइग्रेस ने जो सरकारी डाटा बोलता है वो खाए थे 550, और जो लोकल विलेजेस बोलते हैं कि ये टाइग्रेस पहले नेपाल में मैनिटर हुई थी, नेपाल आर्मी की मदद से इंडिया में खदेड़ दिया गया। इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर इसने कम से कम 1000 से 1200 लोग मारे थे। वाह, और ये लिखित है जिम कॉर्बेट की बुक में। बहुत अच्छे राइटर भी थे, आजादी के बाद यहाँ से चले गए क्योंकि उनकी बंदूक बहुत रेयर थी, उन्होंने एक ही बंदूक से सारे शिकार किए थे। उस बंदूक को 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है ना, उसके म्यूजियम में रख दिया था। 1953 में जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ पेड़ों पे केनिया पे मचान बना के रहते थे। उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट। तो ब्रिटेन की राजकुमारी जब केनिया दौरे में थी, एक राजकुमारी एक हंटर से इतनी प्रभावित हुई कि वहां मिलने आई और कुछ दिन रही भी। बहुत अच्छे राइटर थे, उनकी लिखी हुई बुक पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी वर्ल्ड फेमस बुक है द मैनिटर ऑफ कुमाऊं, मैनिटर ऑफ चंपावत, मैनिटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक गांव का नाम है, आपने कभी नहीं सुना होगा। नहीं। जब आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ोगे तब उस गांव का इतिहास पता चलेगा। वहां जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था। अच्छा। हाँ, 11.5-12 फीट लंबा टाइगर, गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, वो मर गया, तो उस पर बुक लिखा बैचलर ऑफ पवलगढ़, ट्रेट ऑफ माय इंडिया, जंगल लोड जैसी फेमस बुक लिखी थी। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए थे, तब उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे रखा था। तीन नाम चेंज हुए इसके, 1936 में रखा था हेली नेशनल पार्क। अच्छा। मेलकन हेली एक हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके नाम पे। आजादी के बाद 1947 के बाद इसका नाम रखा राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है। कभी डिकाला विजिट करोगे ना तो वहां मिलेगी आपको नदी, उसके नाम पे रखा था। ठीक उसके 10 साल बाद 57 में इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट, जो मैंने आपको बताया। यही इंडिया में पैदा हुए थे जिम कॉर्बेट। अच्छा, पैदा ही हुए। 25 जुलाई 1875, फादर थे विलियम कॉर्बेट, मदर मैरी जॉन, लगभग 12-13 भाई बहन, 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट। 10 से 15 साल की उम्र में जी एक लेपर्ड मार गिराया था। बचपन की शिक्षा उस टाइम में, उस कॉलेज का नाम नहीं पता पड़ा, जिस कॉलेज का नाम बिरला विद्या मंदिर है। बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे, उन्हें बुलाया जाता था। हमारे उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, सुना होगा आपने। कुमाऊं गढ़वाल क्या है, 18वें दशक में कुमाऊं और गढ़वाल हमारे पहाड़ों के दो राजा होते थे, इन दो राजाओं की आपस में नहीं बनती थी। तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था कुमाऊं और गढ़वाल में जब कोई टाइगर नरभक्षी हो जाता था। तो जो बताया ना मैंने आपको, सब इस जगह बुलाए हैं जिम कॉर्बेट को मारने के लिए टाइगर को। मिट्टी है ना, थोड़ा सा वैसे मिट्टी दिख रहा था। सबसे ताजुब की बात हमको युवराज भाई यहाँ एक चीज दिखी, इतनी संख्या होने के बाद टाइगर्स की कहीं से कोई कॉल नहीं। नहीं नहीं, अभी क्या ना दिन का टाइम है यहाँ। अच्छा। पे जो 250 टाइगर कह रहा हूँ यहीं पे तो रही है, यहाँ पे तो ज्यादा ज्यादा अभी 12-13 टाइगर एक्टिव है माँ और बच्चों के साथ। बस मेल टाइगर तो दिखता भी नहीं है, मेल तो बहुत शाय होता है भैया जी। अच्छा, ये मैं आपको पूरे पार्क का बता रहा हूँ, 250, और पार्क भी तो इतना बड़ा है कि दिल्ली समा जाएंगे दो दिल्ली जा जाए ना, बहुत बड़ा जंगल है। मैं बता था सारी गाड़ियां यहाँ आ जाती हैं, इधर पे रुकते हैं, 2-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमने जंगल के 2-1 चक्कर अच्छे खासे मार दिए हैं। अब आप अंदर उतर सकते हैं, यहाँ पे 10-20 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, कुछ खाना है वो भी खा सकते हैं, ठीक है, फिर हम चलेंगे इस तरफ वाला फॉरेस्ट घूमने। अभी हमने बड़े एनिमल में जो है एलिफेंट को साइड किया है, आगे देखते हैं क्या क्या बनेगा भैया। बाकी देखो ना, लोग बोलते हैं जंगल में क्या दिखता है, वो कॉमन वाइल्ड लाइफ है, डियर वियर ये यही दिखता है, बाकी हाथी का भी कोई एरिया नहीं। अभी जैसे अभी दिखा है, क्या पता ना दिखे फिर चले जाए अंदर को। अभी तक हमने ये एरिया घूमे थे,
वाली रोड से चक्कर लेके जरा पीछे वाली रोड पे जाएंगे। इधर वाली रोड जाने से फायदा रहेगा कि पानी की वाटर बॉडी पे कुछ मूवमेंट होगा तो उस पर एक नजर लग चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपका गाड़ियां वहां देख रही हो, तो जंगल में क्या ना गाड़ी चलते रहनी है, हमारे घर में अगर दीमक लगती है हमारे घर को नुकसान देती है, बट जिस जंगल में जितना ज्यादा है ना वो उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है। कुछ लग रहा था डाउट लग मुझे भी रहा था, तो दोनों के डाउट को क्लियर करते हैं पहले। लगा मुझे भाई दिख रहा है ये सबसे ज्यादा इसका दिख रहा है क्योंकि इसका बिहेवियर है बड़े बड़े हर्ट्स पर रहना, और सामर है फैमिली ऑफ एनिमल, इजीली इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, स्पॉटेड सबसे ज्यादा दिखेगा, और बाकी दिखता है बार्किंग वो तो सॉलिटरी है। जो बीच वाला वाटर वाल है वो टेरिटरी है उस फीमेल के, इसके तीन बच्चे काफी बड़े हो गए इसके भी, और यहाँ तक इसके एरिया मानगढ़ भी निकल जाती है। आगे बढ़ेंगे भाई, हमारी जंगल सफारी अब लगभग ख़त्म हो गई, तो युवराज भाई के साथ जंगल देख के एकदम मन मंगल मंगल हो गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ, तो चलिए मिलते हैं रिजॉर्ट पहुँचकर। तो दोस्तों, अभी जंगल सफारी करके हम वापस आ गए हैं, अपने रिजॉर्ट पहुँच गए हैं। पूरा 2 बजे से लेकर 6 बजे तक जंगल घूमा, बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल था, काफ़ी अच्छा, काफ़ी जानवर थे वहाँ पे, बहुत सारे स्पॉटी डियर दिखे, सामर डियर दिखा, नाचते हुए मोर दिखे, कई तरह के और जानवर भी दिखे, कई बार हमको कॉल भी मिली, लेकिन आज कोई टाइगर जो है साइटिंग नहीं हो पाई। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, जंगल साइटिंग होना तो एक सौभाग्य की बात होती है, लेकिन हमारा मेन मकसद था जंगल घूमना। बहुत ही बढ़िया, मेरे गाइड बहुत बढ़िया थे और बेचारे बहुत मेहनत किया। एक जगह कॉल मिली, वो मतलब इतना तेज जिप्सी चला रहे थे कि क्या बताएं, बहुत मेहनत किया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जंगल उन्होंने खूब घुमाया। वाइल्ड लाइफ का आनंद पूरे जंगल को घूमने में, जंगल को समझने में, जंगल को जानने में, तब वाइल्ड लाइफ कंप्लीट होता है। सिर्फ टाइगर की साइटिंग ही वाइल्ड लाइफ नहीं होती। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि कल मैं फिर मॉर्निंग की सफारी करूँगा। कल हम मॉर्निंग की भी सफारी बुक किए हैं, तो कल की सफारी आप हमारे अगले एपिसोड में देख सकते हैं। तो ये एपिसोड हमारा कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।